ये कहानी है एक ऐसे कोरियाई सैनिक की जिसको सेना से निकाले जाने के बाद भी देश की रक्षा के लिए जापानी सेना के 300 से अधिक युद्ध पोतों का अकेला सामना करता है। ये कहानी है वीरता और सम्मान की। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि युसुन नाम के कोरियाई सैनिक को टॉर्चर किया जा रहा है, जिसे जापान के खिलाफ कोरिया के युद्ध के बाद जासूसी के संदेह में सेना से निकालकर टॉर्चर के लिए कोरिया की राजधानी में लाया जाता है। वही हम कोरिया की हालत को देखते हैं जो युद्ध के बाद तबाह हो चुका है। वॉन क्यून के नेतृत्व में कोरियाई नेवी लड़ रही थी, जिसे जापानी नेवी ने तबाह कर दिया। वही जापानी सेना ने कोरियाई तटीय क्षेत्रों पर कब्जा करना लगातार जारी रखा। आखिरकार जापानियों ने कोरिया की राजधानी पर कब्जा कर लिया। उसी वक्त युसुन को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन उसके सारे मिलिट्री टाइटल छीन लिए जाते हैं। युसुन एक देशभक्त है, इसलिए जापानी सेना से लड़ने की योजना बनाता है। वे सैनिकों की भर्ती करता है, हथियार इकट्ठा करना शुरू करता है। पिछले युद्ध में 12 जहाज सुरक्षित बच गए थे जो युसुन को दिखाए जाते हैं। इन जहाजों के साथ युसुन कोरियाई समुद्र के एक पोर्ट को अपना बेस बना लेता है। जापानी नौसेना युसुन की सेना से करीब 100 मील की दूरी पर है, जिनके समुद्री बेड़े में 300 जितने जापानी युद्ध पोत शामिल है। जापानी सेना इस एरिया पर कब्जा करके यहीं पर अपना बेस बनाया है। दूसरी ओर युसुन अपने सैनिकों के साथ जापान के खिलाफ लड़ने की रणनीति बनाता है। वहां कप्तान बेसियोल सुझाव देता है कि हमें हमारी नौसेना में और भी सैनिकों को भर्ती करना होगा, क्योंकि कई सैनिक जापानियों से लड़ने के डर से भाग गए हैं। अगले सीन में हम जापानी नौसेना का मुख्यालय देखते हैं, जहां कमांडर टोडो को यकीन है कि कोरिया के किंग को पकड़ने का उसका प्लान फेल नहीं होगा, क्योंकि युसुन को सेना से निकाल दिया गया है और उसे लड़ना भी बंद कर दिया है। कोरियाई किंग को पकड़ने के लिए कमांडर टोडो की मदद के लिए और ज्यादा सैनिक भेजे जाते हैं, जिनमें जनरल वाकिसाका और जनरल कुरुसिमा को भी जापानी सरकार द्वारा कमांडर टोडो की मदद के लिए भेजा जाता है। कोरियाई बेस पर हम जून यांग को देखते हैं, जो युसुन के लिए जासूसी कर रहा है। जून यांग ने बताया कि उन रा बंदरगाह पर जापानी हमले में क्या हुआ था। युसुन उसे जापानी नौसेना की तैयारी के बारे में और जानकारी लाने के लिए कहता है। जून यांग अपना मिशन जारी रखता है। वो एक छोटी सी नाव लेकर जापानी नेवल हेडक्वार्टर की ओर रवाना होता है। वहां उसकी पत्नी उसे सुरक्षा के लिए एक ताबीज देती है। इधर जापानी हेडक्वार्टर में जनरल कुरुसिमा और उनका दल जनरल टोडो से मिलने के लिए आता है, जो कोरिया पर हमला करने की अपनी रणनीति बताते हैं, लेकिन जनरल वाकिसाका उसकी बात से असहमत है। दोनों के बीच टकराव होता है, तभी अन्य अधिकारी उन्हें रोक लेते हैं, जिसके बाद जनरल कुरुसिमा जनरल टोडो को यकीन दिलाता है कि वो युसुन और उसकी नौसेना को हराने में सक्षम है। जनरल टोडो उस पर विश्वास करता है और उसे रात की पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है। अगली सुबह एक जहाज युसुन के एरिया में आता है। जहाज पर कैप्टन होंग सुक का सिर लटका हुआ था। फिर एक अधिकारी ने जहाज पर जाके देखा तो जहां पर कोरिया युद्ध के कैदियों के ढेर सारे कटे हुए सिर रखे थे। उसी रात कोरिया के एक युद्ध कैदी को देखते हैं जो जापानियों से बच गया था। वो युसुन को रोते हुए बताता है कि जापानी सैनिकों ने सभी कैदियों को बेरहमी से मार डाला। यह सुनकर युसुन अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि वह बाकी सेना का मनोबल तोड़ रहा था। इसके बाद युसुन ब्लड आइलैंड पर जाता है, जहां जापानी सेना का कब्जा नहीं है। यहां के पानी की धारा इतनी तेज है कि जिससे सैनिकों के रोने की जैसी आवाज आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि युसुन सोते समय एक बुरा सपना देखता है। वह देखता है कि जापानी सैनिकों द्वारा मारे गए 3 युद्ध कैदी उसके पास आते हैं और उसे बदला लेने के लिए कहते हैं। ठीक उसी समय निंजा कपड़े पहने कई लोग युसुन पर हमला करते हैं। उसका बेटा युवो उसे बचाने आता है। वो एक निंजा को पकड़ लेता है। उसी समय युसुन अपने एकमात्र जहाज को चलता हुआ देखता है। वो उदास होकर रोने लगता है। ये सब कैप्टन बेसियोल का किया जा रहा था, क्योंकि उन्हें युसुन का काम करने का तरीका पसंद नहीं था। कैप्टन बेसियोल एक जहाज लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी कैप्टन सॉन्ग तीर चलाकर उसे मार देता है। अगली सुबह युसुन का जासूस जून यांग जापानी सेना के मुख्यालय में प्रवेश करने में कामयाब हो जाता है, पर लौटते समय जून यांग पर हमला होता है। तभी युसुन का बेटा आकर उसे बचा लेता है और जून यांग युसुन के लिए एक संदेश भिजवाता है। युसुन ब्लड आइलैंड की एक चट्टान पर खड़ा है,
तभी उसका बेटा जून यांग का संदेश लेकर वहां आता है, जिसमें लिखा था, जापानी सेना 330 युद्ध जहाज के साथ कल हमला करेंगी। रात में जापानी नौसेना अपने हथियार और सैनिकों के साथ हमले की तैयारी शुरू करती है। जापानी सेना कैदियों और बारूद के साथ एक और जहाज भी तैयार करते हैं, जो कोरिया से जीतने के लिए उनकी रणनीति का एक हिस्सा था। ये सुन युद्ध के लिए प्लानिंग कर रहा है, तभी कुछ सैनिक कहते हैं कि उनके हथियार जापानी सेना से लड़ने योग्य नहीं है। सभी अफसर अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि वह युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते, इसके बजाय वह युसुन के हाथों मरना पसंद करेंगे। यह सुनकर युसुन सभी नागरिकों को मैदान में इकट्ठा करता है। सभी के इकट्ठा होने के बाद युसुन सभी घरों में आग लगवा देता है। फिर इकट्ठे हुए सभी लोगों से कहता है कि युद्ध में अपनी मातृभूमि के आगे घुटने टेकना मरने से भी कठिन होता है। यह सुनकर सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह युसुन की नौसेना युद्ध की तैयारी करती है। भिक्षुओं का एक ग्रुप भी जापान के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आता है। युसुन 12 युद्ध जहाज लेकर युद्ध करने के लिए निकलता है। बैटल फील्ड में पहुंचने के बाद युसुन सभी जहाज को एक कतार में लगने के लिए कहता है। सैनिक जहाज की तोप तैयार करते हैं। थोड़ी देर बाद जापानी बेड़ा दिखाई देता है। कई सारे जापानी युद्ध पोतों को देखकर युसुन के 11 युद्ध जहाज पीछे हटने का फैसला करते हैं, लेकिन युसुन का जहाज वहीं डटा रहता है दृढ़ विश्वास के साथ। इधर जापानी खेमे में से कुरुशिमा अपनी पहली बटालियन भेजता है। युसुन अपने सैनिकों से तोप फायर करने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। जैसे ही जापानी जहाज पानी के नजदीक आते हैं, पर पानी की तेज धाराओं के कारण युद्ध पोत आपस में ही टकराने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर युसुन तोप फायर करने का आदेश देता है। जापानी खेमे में भगदड़ मच जाती है और आखिरकार जापान की पहली बटालियन हार जाती है। यह देखकर जनरल कुरुशिमा अपनी दूसरी बटालियन आगे भेजता है। इस बीच कैप्टन सॉन्ग युसुन को बताता है कि पानी में ज्यादा करंट होने के कारण उनका जहाज भी अस्थिर हो रहा है। तभी युसुन कैप्टन को एंकर हटाने और ब्लड आइलैंड की ओर पानी के बहाव के साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जहाज पर एक समस्या है। इसलिए युसुन बाकी 11 जहाजों से मदद मांगने के लिए कहता है, पर कोई आगे नहीं आता। इसलिए युसुन अपनी रणनीति में बदलाव करता है, अपने सैनिकों को क्लोज बैटल के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। जापानी जहाज युसुन के जहाज को चारों ओर से घेर लेते हैं। दोनों खेमों के बीच आमने सामने की लड़ाई होती है। एक पल तो ऐसा लग रहा था कि जापानी सेना जीत रही है, तभी एक कोरियाई सैनिक ईंधन बैरल में आग लगा देता है। इससे बड़ा धमाका होता है। डेक पर मौजूद सभी जापानी सैनिक मारे जाते हैं। बाद में युसुन कैप्टन सॉन्ग को सभी तोप को जहाज के डेक पर लाने का आदेश देता है। सभी सैनिक नीचे से तोपों को डेक पर लाना शुरू करते हैं। सभी तोपों फायरिंग के लिए तैयार होने के बाद डेक पर मौजूद सभी सैनिकों को युसुन नीचे लेटने के लिए कहता है। तोप से एक साथ अटैक होने के कारण जापानी सेना की दूसरी बटालियन भी हार जाती है। वहां मौजूद कई जापानी जहाज नष्ट हो जाते हैं। पहाड़ी पर से युद्ध देखने वाले सभी कोरियन खुशी से झूम उठते हैं। जैसा कि युसुन ने उम्मीद की थी, इस जीत के कारण कोरियन सैनिकों में लड़ाई जीतने का जज्बा बढ़ जाता है, जिसके बाद 11 जहाजों को बुलाने के लिए फ्लैग ऊपर उठाया जाता है। तभी फ्लैग उठा रहे सैनिक को जापानी स्नाइपर द्वारा गोली मार दी जाती है। तभी युसुन स्नाइपर की दिशा में तोप चलाने का आदेश देता है, जिससे स्नाइपर हट जाता है और फ्लैग ऊपर उठा दिया जाता है। अब स्नाइपर के निशाने पे युसुन थे। तभी कैप्टन होंग स्नाइपर की आंख में तीर मारता है, जिसके बाद कुरुशिमा बारूद और कोरियाई कैदियों से भरा जहाज युसुन की जहाज की ओर भेजता है। इसलिए युसुन उस जहाज पर हमला करता है। तभी एक कैदी बाहर आकर बारूद को पानी में फेंकता है। युसुन तुरंत हमला रोक देता है। वो कैदी ऊपर जाकर जहाज की दिशा जापानियों के जहाज की ओर मोड़ने की कोशिश करता है। तभी जापानी सैनिक उसे मार देते हैं। तभी कोरियन सैनिक तीर चलाकर उस जापानी सैनिकों को मार देते हैं। बारूद और कैदियों से भरा जहाज युसुन के जहाज की ओर तेजी से आ रहा था। तभी जासूस जून यांग की पत्नी युसुन के जहाज के सैनिकों को अलर्ट करने की कोशिश करती है। तभी युसुन बारूद से भरे जहाज पर तोप चलाने का आदेश देता है, ताकि वह उनके जहाज तक पहुंचने से पहले नष्ट हो जाए। इधर अपनी सभी योजनाओं को विफल होता हुआ देखकर जनरल कुरुशिमा अपने मुख्य जहाज को युसुन के जहाज के साथ टकराने का फैसला करता है,
जैसे ही कुरुसीमा का जहाज नजदीक आता है तभी पानी में भंवर बनता है। सभी जहाज पानी में घूमने लगते हैं। जब जनरल कुरुसीमा का जहाज यूसुन के जहाज के पास आता है तो दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। यूसुन पीछे मुड़कर देखता है तो बाकी 11 जहाज भी उसकी मदद के लिए आ रहे थे। यूसुन की सेना मदद आने से पहले ही कुरुसीमा को घेर लेती है और कप्तान कुरुसीमा को चाकू मार देता है। फिर भी वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यूसुन के सैनिक उस पर कई तीर चलाते हैं और आखिर में यूसुन उसका सिर काट देता है। यूसुन की सेना ये भयानक और नामुमकिन लड़ाई जीत जाती है। लेकिन तभी यूसुन का जहाज भंवर में फंसने लगता है। तभी कई छोटी नावों के साथ लोगों ने मेन जहाज को डूबने से बचा लिया। अब यूसुन के जहाज के साथ अन्य 11 जहाज भी जुड़ जाते हैं। अब वे अपने जहाज जापानी जहाज के साथ टकराते हैं। अपने युद्ध जहाजों को नष्ट होता हुआ देखकर जापानी सेना पीछे हट कर देती है। फिल्म हमें यह सिखाती है कि नैतिकता यह है कि कुछ करना उस हार को चुपचाप स्वीकार करने से बेहतर है जिसके लिए लड़ा जा सकता है। और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये फिल्म समाप्त हो जाती है।